हेलो गाइस, वेलकम टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द सी लैंग्वेज का पार्ट टू, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को हम डिस्कस करेंगे फॉर द नाइलेट ओ लेवल बेस्ट 40 क्वेश्चंस, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये सी लैंग्वेज से रेलेवेंट तो हैं ही, पर ये रेलेवेंट रहेंगे फॉर द टेक्निकल राउंड एंड फॉर इंटरव्यू, फॉर द सिलेक्शन इन बी सी ए, एम सी ए, एम टेक, ऑल द टेक्निकल एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दिस इज द मॉड्यूल 4.1 फॉर द रिविजन 3। सब्जेक्ट नेम है हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द सी लैंग्वेज। इस एग्जाम के भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं हर एक मॉड्यूल के। पार्ट वन में 4 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट टू में रहते हैं 5 क्वेश्चंस। पार्ट वन के जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें फिलअप करने होते हैं ओएमआर शीट के ऊपर जो अटैच रहती है क्वेश्चन पेपर के साथ। मैक्सिमम टाइम अलॉटेड रहता है पार्ट वन के लिए 1 आवर का एंड फॉर द पार्ट टू इज़ 2 आवर्स। जैसे ही हम पार्ट वन को कम्प्लीट करके आंसर बुक को वापस कर देते हैं, उसी टाइम पे हमें पार्ट टू के लिए आंसर शीट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पार्ट वन रहता है हमारे पास 40 मार्क्स का एंड पार्ट टू इज़ ऑफ 60 मार्क्स। टोटल हो गए हमारे पास 100 मार्क्स। और ये जो पार्ट टू है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 4 ऑप्ट करने होते हैं, तो चॉइस होती है इनमें, कोई एक आप इसमें से स्किप कर सकते हो। टोटल टाइम अलॉटेड हो गया 3 आवर्स। तो ये जो पार्ट वन है 40 मार्क्स का, इसमें कम से कम आपको मार्क्स चाहिए 25 टू क्लियर द फर्स्ट एग्ज़ाम। अगर आपके इतने मार्क्स इस पेपर में नहीं आते हैं तो आपका सेकेंड जो पार्ट है वो चेक ही नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्लियर द पार्ट वन। 40 मार्क्स जो हैं इनमें से कम 25 मार्क्स इसमें ऑप्ट करने ही करने हैं। तो ये है आज हमारे पास पार्ट टू। पार्ट वन इससे पहले अपलोड हो चुका है हमारे चैनल एमबी क्लासेस एजुकेशनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट भी पूरा कंप्लीट करके रखा है एंड डिस्कस किए हैं हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन। पार्ट वन में भी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं इसमें, जिनमें हमें चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन और उसे फिलअप करना होता है ओएमआर शीट के ऊपर। ओएमआर शीट हमारे पास अटैच रहती है क्वेश्चन पेपर के साथ और जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ऑक्टल कॉन्स्टेंट। अब ऑक्टल कॉन्स्टेंट जो हैं इनमें से कौन सा वैलिड है। अब ऑक्टल जो कॉन्स्टेंट थे वो होते हैं, या ऑक्टल नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेके 7 तक, ठीक है। ऑक्टल नंबर है ये। ऑक्टल नंबर का जो, अगर नंबर सीरीज में कभी आपने पढ़ा है तो बेस होता है इनका हमारे पास 8, ठीक है। ऑक्टल नंबर 8 है 0 से लेके 7 तक, 0 काउंटेबल है इसलिए ये 8 नंबर बन गए पूरे, ठीक है। तो अगर इतना भी किसी को मालूम है तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इतने से हम अप्रोच करने लगते हैं तो ये दो हमारे पास आंसर बनते हैं। अब ऑक्टल नंबर जो होते हैं जब हमें सी लैंग्वेज में उनको लिखना है तब हमारे पास प्रिसीडिंग जो लेटर रहता है वो रहता है इस तरह से ओ, ठीक है। तो ओ है ये 0, आप जिस तरह से भी इसको काउंट कर रहे हैं यहाँ पे 0 है अदरवाइज ये। तो 0 अगर शुरू में है तो ये रहे और ये है हमारे पास नंबर ये, एंड 32 एंड दिस वन ए और बी के बीच हमारे पास डाउट है। 49 हो नहीं सकता क्योंकि रेंज ही 0 से लेकर 7 तक की है, और अगर 0 एंड एक्स लगा है साथ में तो ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, बेस वैल्यू कितनी है इनकी और कौन कौन से हैं, लाइक 0 से लेके कहाँ तक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी 0, 0, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट द रेड। कौन सी इनमें से वैलिड नहीं है टू प्रिंट द रेड इफ अ करेक्टर वेरिएबल कलर हैज़ द वैल्यू कैपिटल आर और द स्मॉल आर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, जैसे स्विच है, कलर है, फिर इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दी गई है पूरी, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इनमें से कौन सी नहीं है हमारे पास, नहीं है इसमें। जो आंसर है वो है थर्ड वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो स्विच, टू अपर और फिर कलर। अब ये टू अपर क्या है, ये एक फंक्शन था हमारे पास
जो इन पैरेंथेसिस के बीच में जो भी चीज़ लिखी गई है उसको ये कन्वर्ट कर देता था टू अपर केस लेटर्स में, ठीक है। और बाकी जो है, और ये एक तरह से हमारे पास स्विच का सिंटेक्स भी नहीं है वैसे तो, और ये फंक्शन है टू अपर वाला, स्विच के साथ स्विच लिखते थे और बीच में हमारे पास वेरिएबल रहता था, तो सेम है इन तीनों के लिए। तो ये तीनों यहाँ तक ट्रू हैं। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस रहती थी, एक हम अगर हमारे पास करेक्टर हैं तो हमें सिंगल कोट में लेने होते थे, अगर हमारे पास डबल कोट में है तो वो हो गया हमारे पास स्ट्रिंग। लेकिन हमारे पास जो केस वैल्यू है वो एक ही करेक्टर की हो सकती थी, या तो आप एक नंबर ले लो वहाँ पे, या तो एक करेक्टर ले लो, तो करेक्टर हो गया सिंगल करेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर हम मतलब ओवरव्यू में भी देखते हैं तो हमारे पास सी ही है जो रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो द आंसर इज सी वन, और बाकी हमारे पास ये ट्रू आंसर्स हैं सारे। नेक्स्ट वन इज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज लार्जर 10 एंड 20। कि लार्जर हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन द 10 एंड 20, तो कौन सा जो है इनमें से कोड सेगमेंट इस सेगमेंट की आउटपुट क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो आउटपुट दी गई है ये, एंड ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, चलो ये देख लेते हैं पहले। ये है हमारे पास फंक्शन। नाउ फंक्शन कैसे है, क्योंकि देखो इंट के साथ इसको कॉल करवाया गया और यहाँ फंक्शन बोला भी है, तो फंक्शन है यहाँ पे लार्जर, लार्जर इंट एक्स इंट बाई। तो एक्स की वैल्यू अब देखो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हमें देखना होता था हमेशा, तो लार्जर को कॉल हुई है यहाँ पे, फर्स्ट हो गया इंट एक्स की वैल्यू हो गई अब यहाँ पे फर्स्ट वाली है हमारे पास 10, और y की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी 20। अब इन दोनों में है ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि int max, max में वैल्यू साइन कर दी x की, तो वो max की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 10, है ना। अब 10 जो है अगर लेस देन y है, कंडीशन ये लगाई इफ, कि अगर 10 जो है वो लेस देन y है तो max रिटर्न करेगा y को, ठीक है। मैक्स में वैल्यू साइन हो जाएगी वाई की और रिटर्न हो जाएगा वाई। एल्स, अब मैक्स है हमारे पास 10 और वाई है 20, तो 10 लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स में एलोकेट हो गई यहाँ पे 20 वाई की वैल्यू और रिटर्न हो गया वाई। वाई रिटर्न किसको हुआ, जहाँ से कॉल हुई थी फंक्शन को, ठीक है। और अगर ये पार्ट हमारा ट्रू नहीं होता तो हमारे पास आता फिर रिटर्न एक्स की, रिटर्न कर देना एक्स एज इट इज़, एक्स में जो भी वैल्यू है। तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है अभी के लिए, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है, दैट मींस हमारे पास इसका ये कंडीशन ट्रू है, ये 10 जो है हमारा लेस देन 20 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो रिटर्न किसकी वैल्यू हो गई, बाई की, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगी, कि लार्जर ऑफ 10 एंड 20 इज 20, तो आंसर इज सी। प्रोग्राम कंपाइल होगा, फंक्शन जो है रिटर्न भी करेगा स्टेटमेंट को, तो फर्स्ट हमारी रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल, कंपाइल होगा ये, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू लिखी गई हैं। किसी को लगता है कि कोई एरर है इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, अदरवाइज़ ये एक एक लाइन इसमें से ट्रू है। बस देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि इफ़ द फंक्शन इज कॉल्ड, और फंक्शन कॉल्ड होगी लार्जर फंक्शन के लिए 10 एंड 20 में, तो क्या ये कौन सी स्टेटमेंट आएगी। देखो मैक्स में क्या वैल्यू साइन हुई थी, मैक्स में वैल्यू 20 असाइन हो गई, 20 ही असाइन होनी है, होनी एक ही वैल्यू असाइन है। देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि वाई में लार्जर वैल्यू है, ये कंडीशन आपकी ट्रू बैठ रही है यहाँ पे, 10 इज़ लेस देन 20। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो इसके अंदर पार्ट लिखा होता है वो चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला चलता है ना। तो जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एक्स के लिए यहाँ पे, सेकेंड वाला जो है वो वाई के लिए है, एंड थर्ड वाला जो है जिसमें मैक्स की वैल्यू स्टोर हुई, तो अल्टीमेटली एक ही वैल्यू रिटर्न हुई है यहाँ पे, चाहे वो एक्स की है चाहे वो वाई है, जिसमें कैपिटल वैल्यू स्टॉल लार्जर वैल्यू सॉरी स्टोर है, तो लार्जर वैल्यू स्टोर है 20 की, तो यहाँ पे आंसर आएगा लार्जर ऑफ 10 एंड 20 इज 20। सो आंसर क्लियरली इज C1। तो ये हो गए तीन क्वेश्चन यहाँ तक हमारे पास। नेक्स्ट वन इज गिवन द कोड सेगमेंट, कि ये हमारे पास कोड सेगमेंट दिया गया है जिसमें कैरेक्टर दिया गया है कैरेक्टर ए। अब ये है हमारे पास एरे, है ना, कैपिटल लेटर्स कैपिटल ब्रैकेट हैं ये इस तरह की, और ब्लैंक हैं, ब्लैंक है मतलब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते थे। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टर दिए गए हैं, दैट मीन्स डबल कोट के बीच में है, तो स्ट्रिंग है ये एंड कॉमा पॉइंटर ऑफ पी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग असाइन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी टू द
पी, कि पी के लिए क्या असाइन किया गया होगा। अब देखो याद है अगर अभी हमारे पास जब हमने किए थे ये पॉइंटर वाला, तो जैसे ए लिखा एंड यहाँ पे मैंने पॉइंटर ऑफ बी लिखा, ठीक है। तो हम बी में किसको असाइन करवाते थे, बी में हम देते थे एड्रेस ऑफ ए, जो हमारे पास वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है, या दो तीन वेरिएबल होते तो हम कोई एक चूज़ कर लेते उसमें से, है ना। तो जो एड्रेस ऑफ ए है वो हो गया बी की वैल्यू, और यहाँ पे अगर हम पॉइंटर लगा देते हैं तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली पॉइंटर है, तो जो भी ए की वैल्यू है वही असाइन हो गई फिर अल्टीमेटली बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि स्टार्टिंग एड्रेस कैसे स्टोर होगा पी में। पी में अब देखो ऑटोमेटिकली कैसे होगा, ए का एड्रेस, तो आंसर इज़ बी, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, फोर्थ का आंसर हो गया बी। यहाँ पे टू रीड एंड राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट ओवर राइटिंग द फॉलोइंग मोड इज यूज्ड, कौन सा यूज़ किया जाता है। अब ये अभी तक हमारे थियोरेटिकल पार्ट में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका लेक्चर मैं अपलोड करूँगी एक दो दिन में अभी। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना, यहाँ पे आर प्लस है अगर, तो ये रीड एंड राइट के लिए होता है, फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर, विदाउट ओवर राइटिंग, बिना ओवर राइट किए किसी फाइल को। तो आंसर इज 1.5 का सी। नेक्स्ट इज इफ एन एरे इज डिफाइंड एज स्टैटिक कैर, ए एरे की वैल्यू दी है यहाँ पे, यह है सिंगल लीनियर एरे, 10, देन द एलिमेंट ऑफ ए विल बी सेट टू, अब कौन से ऑप्शंस हैं, एन अनडिटर्मिंड वैल्यू, 0, ब्लैंक करेक्टर या करेक्टर 0। तो ये होगी यहाँ पे अनडिटर्मिंड वैल्यू, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज फॉर द कोड सेगमेंट स्ट्रक्ट टी ओ बी, स्ट्रक्ट है ये, देखो स्ट्रक्चर हमने, मैंने ओवरव्यू दिया था आपको कि स्ट्रक्चर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं विद द वेरिएबल नेम एंड देन डॉट एंड देन जो भी उसका एलिमेंट हमने साथ में यूज़ करना है। तो देखो डॉट के साथ हमेशा स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो कोड सेगमेंट है, स्ट्रक्ट है, दिया गया डेट, डेट ऑफ बर्थ है, इंट में हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं डेट, मंथ, ईयर। तो स्ट्रक्चर डी ओ बी, बर्थ डेट, अब पी पॉइंटर या डी डिफरेंशियल ऑपरेटर पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी एंड देन टर्मिनेटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस टू एक्सेस द बर्थ डेट, अब इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, इनमें से टू एक्सेस। तो देखो हमने ये डिस्कस किया था कि डेसिमल डेसिमल या डॉट जो है वो होना ही होना है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये, इसके बारे में अभी तक हमें कोई चीज़ नहीं पढ़ी। तो ये वाला जो है इसमें एक्सेसिबल नहीं है, मतलब इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी ये सारे मेथड जो हैं ये अलाउबल हैं। अब पॉइंटर अगर हमें चाहिए तो पॉइंटर डॉट बर्थ डेट दैट इज़ द स्ट्रक्चर नेम एंड देन द एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं हम इसके साथ। तो ये सारे वैलिड हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस वन इज़ नॉट वैलिड। सो आंसर इज फॉर नॉट वैलिड इज़ ए। एट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, इसके लिए मेन इंट ए सी कैरेक्टर डी रेफरेंशियल ऑपरेटर ए वी एंड कैपिटल ब्रैकेट्स, ये है हमारे पास फिर से एरे। तो इसके लिए कौन सा जो है फॉल्स है, तो ऑप्शंस हैं ए वी इज एन एरे ऑफ द पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, कि ए वी एक एरे है पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, यस ये है ए वी एक, देखो एरे है पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, अब ये पॉइंटर ही है। नेक्स्ट है ए वी 0 रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन, कि क्या ये प्रोग्राम को शो कर रहा है क्या, आपके क्या इस तरह से आप कभी नाम देते हो प्रोग्राम का, नहीं देते। तो ये यहाँ पे आंसर है हमारा। द फॉर्मल आर्गूमेंट नेम्स हैव द आर्गूमेंट्स ए आर जी सी एंड ए आर जी वी ओनली, क्या ये हमारे पास आर्गूमेंट्स दिए गए हैं या द मेन फंक्शन कैन रिटर्न द इंटीजर टू द कॉलिंग फंक्शन और द प्रोग्राम, कि जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न करेगा इंटीजर, यस मेन फंक्शन देखो यहाँ पे इंटीजर भी करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, एक करेक्टर भी कर सकता है टू द कॉलिंग फंक्शन या तो प्रोग्राम के लिए। तो आंसर हेयर इज फॉर द एट्थ क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट इज नाइन्थ वन, वट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस,
अगर इस तरह का प्रोग्राम आपके पास देखो दिया गया है तो यही इसी तरह के क्वेश्चन आपको कई बार 5 मार्क्स के भी होंगे, जहाँ पे आपको बस प्रोग्राम दिया गया है और आपको आंसर देना है। तो मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इंट हो गया, ए में वैल्यू असाइन हो गई कैपिटल ए की, ठीक है। कैपिटल ए आपने एक कैरेक्टर है जो असाइन कर दिया, स्मॉल ए जो हमारा वेरिएबल था यहाँ पे, ठीक। अब ये सिंगल कोट के बीच में इसलिए करेक्टर है, अब यहाँ पे जब प्रिंट एफ ली गई स्टेटमेंट तो यहाँ पे ली गई डबल कोट के बीच में परसेंटेज डी। देखो ऑल दो द ए इज़ हेयर द इंटीजर, इंटीजर है लेकिन हमने जो वैल्यू साइन की है वो करेक्टर की है यहाँ पे। अब इस केस में आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा, क्या 65 है, ए है, स्मॉल ए है, या प्रोग्राम जो है वो कंपाइल ही नहीं होगा और जो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल असाइंड है वो एक करेक्टर कॉन्स्टेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए क्या हमारे पास। तो हेयर द आंसर इज़ 65, स्काई वैल्यू अगर याद है किसी को तो इसकी फुल फॉर्म देना जरा कमेंट बॉक्स में एक तो, और कैपिटल ए जो है इसकी स्काई वैल्यू होती है 65, तो द आंसर इज 65। और 65 क्यों, क्योंकि देखो इंटीजर वैल्यू बोली गई थी इस वेरिएबल की, वेरिएबल में स्टोर है कैरेक्टर, कैरेक्टर है, और इसकी अब अगर इंटीजर वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यस इसकी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है अस्काई वैल्यू। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, एंड ये है हमारे पास कोड सेगमेंट, इन ऑर्डर टू सम ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस। अब ये जो ये वाला पोर्शन है ये रिप्लेस करना है इनमें से किसी एक के साथ। देखो तो क्या दिया गया है, अब हमारे पास फॉर का जो सिंटेक्स था वो क्या होता था, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे किसी भी वेरिएबल की, फिर यहाँ पे कंडीशन दी जाती थी, यहाँ पे अब या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा और इसको हम स्टॉप कर देते थे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हो गई ऑड सम की 0 के साथ, जे को इनिशियलाइज कर दिया और 1 के साथ, तो फर्स्ट 1 इज़ ट्रू। अब इसको रिप्लेस करना है एंड जे प्लस इक्वल टू 2 के साथ, तो ऑड नंबर का हमें सम फाइंड आउट करना है, 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया तो इसीलिए यहाँ पे जे प्लस इक्वल टू 2, मतलब जब भी ये इंक्रीज होगा तो ये 2 के साथ होगा, तो देखो अगला आएगा फिर 3 फिर 5 फिर 7, इसी तरह से ये ऑड नंबर्स को ऑटोमेटिकली देता जाएगा। तो 1 से लेके आपको हमें चाहिए 100 के बीच में, तो 100 तो है नहीं है ना, तो फर्स्ट से इनिशियलाइज करेंगे और 100 तक जाना है, लेकिन 100 हमें अप्रोच नहीं करवाना है इस केस में, ठीक है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, लेस देन बिटवीन ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100, तो 1 less than 90, लेस देन इक्वल टू 99, तो जे हमारा इनिशियलाइज था इसलिए लेस देन इक्वल टू 99 जब तक रहेगा ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी, तो द आंसर इज 10th के लिए ए। तो ये हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन। अगर इसमें से आपके, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा थे, अगर इतनी क्लैरिफिकेशन इसकी नहीं है तो कम से कम 3 या 4 तो आपके यहाँ पे ठीक होने चाहिए, लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा आना एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है, क्योंकि या तो आपको आती है चीज़ या तो नहीं आती, फिर दो चीज़ें यहाँ पे, तो अगर क्लैरिफिकेशन है तो वो एक कंप्लीट मार्क्स आपके पास है बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो फोकस करो कि आपका ये जो ये वाले कंसेप्ट हैं ये क्लियर होते चलें, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखना। अब जैसे किसी के पास एक डाउट था कि जो हमारा ऑपरेटर था एक, जिसमें हमने रेंज की बात की थी, तो रेंज में कैसे था, देखो फिर से मैं सर्कल के साथ समझा देती हूँ यहाँ पे, जैसे ये है और एक है, जैसे हमारे पास रेंज दी गई है -2 से लेके 2 तक, तो 0 है यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब इस 2 के बाद अगर एक और इंक्रीज होगा तो क्या आता है यहाँ पे आएगा फिर -1, फिर -2, फिर अगर -2 में एक और ऐड करेंगे तो 0, 0 में एक ऐड किया 1, 1 में एक ऐड हुआ 2, 2 में एक ऐड हुआ -1। तो अगर रेंज इस तरह की दी गई है तो इसी सर्कल में आप घूमते रहोगे। अब जैसे इंट की रेंज जितनी है, अगर उसी सर्कल में घूमना है तो वो वहीं पे घूमता रहेगा आपके पास, -3, 2, 7, 6, 8 से लेके 7, 6, 7 तक। तो 67 से जब आप एक आगे बढ़ोगे तो आंसर आएगा -1, अगर इसमें +2 करोगे तो -2, इसी तरह से ये रेंज आगे बढ़ती जाती है।
ठीक है। तो ये है रेंज का कंसेप्ट, अगर ये क्लियर नहीं है तो ऑपरेटर एक बार फिर से पढ़ना। अब ये है हमारे पास ट्रू फॉल्स वाला, जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी स्टेटमेंट आपको लगती है वो आपने एंटर करनी है टू द ओएमआर शीट, जिससे की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एस्केप सीक्वेंस, वैसे क्वेश्चन है ये आपके लिए पहला कि अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन एक पीछे पूछ लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन ये है कि एस्केप सीक्वेंस में कौन कौन से करेक्टर आते हैं और उनका किस तरह से लिखते हैं हम उनको सिंगल कोट के बीच में, लेकिन कैसे। तो एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद द बैकवर्ड स्लैश फॉलोड बाय द अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, तो क्या बैक स्लैश के साथ हम इनको शुरू करते हैं, बैक स्लैश होता है ये, फॉरवर्ड स्लैश होता है ये, तो बैक स्लैश के साथ शुरू करते हैं और एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी साथ में रहता है, तो कंडीशन ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। पर आपको कितने आते हैं एस्केप सीक्वेंस के साथ यहाँ पे, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लूप, फॉर द फॉर लूप कैन बी यूज ओनली फॉर द केसेस व्हेन द नंबर ऑफ पासेस इज नोन इन एडवांस, कि फॉर लूप हम बस वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ पासेस जो हैं वो पहले से पता होते हैं। येस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एरे ए डबल आर बी अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एस इफ द एस इज पास टू द फंक्शन टेस्ट एंड as test as, then the changes in a double r if any by test will not be reflected in the calling function, क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो स्ट्रक्चर आपने देखो फिर से नहीं किए हैं तो जस्ट हेयर ये फॉल्स है। अब स्ट्रक्चर्स को जब भी हम एक्सेस करते थे हम करते हैं उन्हें हमेशा डॉट ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पे अगर ओवरव्यू में भी वही चीज़, अगर एक माइंड इंटेलिजेंट वाला गेस वर्क करना है आपको तो यहीं से ये फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे किसी कहीं पे भी डॉट ऑपरेटर की बात ही नहीं की। तो स्ट्रक्चर के मेंबर जो हैं वो एक्सेस तभी होते हैं जब वहाँ पे पीरियड ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ फॉल्स। नेक्स्ट वन इज़ इन एन रिकर्सिव फंक्शन द लोकल वेरिएबल अ डिफरेंट सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम आर क्रिएटेड ड्यूरिंग ईच कॉल। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता था, जहाँ पे फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते रहते हैं बार बार, है ना। तो येस दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट इज टू एनुमरेशन कॉन्स्टेंट डिफाइंड इन एन एनुमरेशन डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी द सेम इंटीग्रल वैल्यूज, ये भी ट्रू है यहाँ पे। अब देखो स्ट्रक्चर और एनुमरेशन से जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना उनको आप एक तरह से अभी के लिए छोड़ भी सकते हो, एक दो दिन इनको स्किप करके रखो, और जब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तब इनको फिर से अप्रोच करना है कि जिस तरह की डेफिनेशंस हम वहाँ पे दे रहे हैं उनके ऊपर ये वैलिड हैं कि नहीं है। जो एनुमरेशन कॉन्स्टेंट होते हैं वो डिफाइन होते हैं एनुमरेशन की डेफिनेशन के साथ, और एक एनम कीवर्ड उनके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो टू एनुमरेशन कॉन्स्टेंट डिफाइंड इन एनुमरेशन डिफाइंड डेफिनेशन कैन हैव द सेम इंटीग्रल वैल्यूज, देखो सेम इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं वहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूज अभी इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं, तो करना चाह रही हूँ मैं आपको, तो इसको एज इट इज़ ही अभी रिमेंबर कर लो या स्किप कर लो। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ही कम काउंट करना कि आपने ये अप्रोच ही नहीं किया, क्लियर। तो इनके अलावा लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने पहले से कर चुके हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। जब भी देखो एग्ज़ाम देने के लिए आप बैठेंगे कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में, तो उन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन कम करना जो आपने नहीं पढ़ी है, है ना। क्योंकि जो नहीं पढ़ा है वो तो ठीक है कि आपको नहीं आता, लेकिन अगर पढ़ी हुई चीज़ें भी आपको नहीं आती हैं तो ये एक शेमफुल चीज़। अभी तक जैसे मैंने कहा था पॉइंटर वाले, जब हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी, कि पॉइंटर तक अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड योर पेपर इज़ ऑल्सो क्लियर, आपका पेपर वहीं तक क्लियर हो जाएगा। ये इनमें से एनुमरेशन एंड स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से भी ऑल्दो रहेंगे, लेकिन स्टिल दैट इज़ इनफ पॉइंटर तक। और इनके एक दो दिन में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे स्ट्रक्चर्स एंड एनुमरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज विद द वेरिएबल्स दैट आर एलोकेटेड स्पेस यूजिंग मैलॉक फंक्शन। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज होते हैं ओनली विद द वेरिएबल्स जहाँ पे एलोकेट किया जाता है स्पेस विद द मैलॉक फंक्शन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये है फॉल्स, यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का मैलॉक के साथ लेना देना कुछ नहीं है। ऑल्दो ये एलोकेशन ऑफ द मेमरी एंड री एलोकेशन ऑफ द मेमरी ये है, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ये साइज दिखाता है मेमरी का कि वो कितने साइज है, जैसे जिस टाइप का वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए एलोकेट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इज अ यूनियन वेरिएबल देन यूजिंग द इज अल्फा यू इट इज पॉसिबल टू नो वेदर यू इज सॉर्टिंग एन अल्फाबेट और नॉट. तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज इफ अ फाइल क्रिएटेड विद एफ राइट फंक्शन देन इट इज वैलिड टू रीड इट यूजिंग एफ स्कैन एफ फंक्शन. तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. नल इज अ कीवर्ड इन सी. नल एक कीवर्ड है सी में, तो शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो दिस वन इज फॉल्स. हमारे पास 32 कीवर्ड ही हैं अभी तक सी में और उनमें नल कोई नहीं था. और ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि नल कीवर्ड जो है वो स्ट्रिंग और करेक्टर में हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो नल को हम किस तरह से दिखाते हैं, तो कैसे शो होता है कि नल करेक्टर है या स्पेस बार है, तो वो स्पेस कैसे काउंट करता होगा उसको. थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन ये. नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन नेम कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन. कि फंक्शन नेम को हम एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं टू अनदर फंक्शन. यस, और इसी को रिकर्सिव फंक्शन भी कहते हैं, जब फंक्शन का नाम ही अपने आप को कॉल करता रहता है वो. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. कॉलम एक्स में जितने जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको मैच करना है वाई के साथ. एक्स में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं और देखो बी में आपके पास कितनी ऑप्शन है, 16. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग टू अ डिफरेंट डेटा टाइप्स. कन्वर्टिंग जब हम डेटा टाइप डिफरेंट में करते हैं तो कैसे करते हैं. अभी क्वेश्चन जो है ये देखो रिपीटेड हैं. लास्ट में भी, लास्ट जो पेपर हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है उसमें भी ये क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन एज इट इज ही थे ऑलमोस्ट, कि जब हमें डिफरेंट डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना है तो क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं टाइप कास्टिंग. अब डिफरेंट डेटा टाइप में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं. जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है. अब जब हम इंटीजर वैल्यू होती है तो हमारे पास होल नंबर, जैसे पूरा 5 है, अगर हमें 5.5 लिखना था तो उसको फ्लोट करना पड़ना था, है ना. अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या जब आप प्रोग्राम को आगे लिखना शुरू करते हैं वहाँ पे आपको लगता है कि आपको 5.5 यूज़ करनी थी, ठीक है, या फ्लोट में आपने 5.5 दी है लेकिन आपको पूरा 5 यूज़ करना है. तो उस केस में जब आप डेटा टाइप को अगर कन्वर्ट कर लेते हो कि इंटीजर को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया या फ्लोट को आपने इंटीजर की तरफ को कन्वर्ट करवाना चाहते तो उसे कहेंगे फिर हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग, ठीक है. तो टाइप कास्टिंग होती है कन्वर्टिंग टू द डिफरेंट डेटा टाइप. जिस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया गया था उसे डिफरेंट में आपको अगर वो कन्वर्ट करना है तो उसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द न्यू डेटा टाइप. जब न्यू डेटा टाइप क्रिएट होने हैं तो कैसे होते हैं, टाइप डेफिनेशन के साथ. नेक्स्ट इज रिमूविंग रेपिटेटिव कोडिंग. ये किया जाता है यहाँ पे रिकर्जन के साथ, कि अगर एक जैसी ही कोडिंग आपको बार बार लिखनी है तब आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप जो है वो क्या है, इनफाइनाइट लूप है यहाँ पे ये. अगर फॉर लूप आपको एज इट इज़ दे दी जाती है कभी किसी प्रोग्राम में, जैसे हमने अभी पीछे एक प्रोग्राम देखा था, जैसे ये प्रोग्राम था और इसका आपको आउटपुट देनी थी, अगर ऐसे में ही फॉर दे दिया जाए आपको विद द टू टर्मिनेटर बिटवीन द पैरेंथेसिस, तो ये क्रिएट कर देता है एक इनफाइनाइट लूप. तो आंसर फॉर द 3.5 इज पी. नेक्स्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट. नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर. रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर क्या है, ये है फंक्शन. नेक्स्ट इज 3.8 डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्टैटिक. नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, फिर से हैश डिफाइन के साथ, जो हमने जहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेयर होती है उसी के साथ हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं. तो ये होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स. ये भी हमारे लास्ट जो हमारा वीडियो था क्वेश्चन आंसर्स का, MCQs का, उसमें ये क्वेश्चन आया है पहले भी कि हैश डिफाइन क्या थे, तो वहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर किया था कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस एलोकेशन टू द वेरिएबल. स्पेस एलोकेशन टू द वेरिएबल होती है डिक्लेरेशन. आंसर इज जी. तो ये हो गए 10 क्वेश्चन. तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखो, आउट ऑफ 10 आपके एटलीस्ट 8 क्वेश्चन जो हैं वो ट्रू करेक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 8.
ट्रू एंड फॉल्स में से भी, जैसे फर्स्ट में हमने तीन लिए थे, ट्रू एंड फॉल्स में आपके एटलीस्ट फाइव ठीक हो जाने चाहिए और यहाँ पे भी एट हो गए। टोटल अभी तक आपके मार्क्स होने चाहिए 16 अप टू द थर्ड पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट में कितने हो सकते हैं आपके ट्रू। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर विथ मोस्ट ऑफ द एंट्रीज एज जीरो इज नोन इज एन। देखो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन है आपके पास, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जो यहाँ इन ब्लैंक्स में वैल्यू पुट करनी है वो इस चार्ट में से ढूंढनी है। तो 24 ऑप्शंस हैं आपके पास 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। तो कितने एक्यूरेटली अब आप इनमें से चूज कर सकते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी एंट्री जीरो के साथ दी जाती हैं। अब कभी जो मैथ स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, या इस तरह का क्वेश्चन और थोड़ा घुमा के अगले एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे मतलब वैल्यूज़ दी जाती हैं तो वहाँ बहुत सारी एंट्रीज जो हैं वो आपकी ज़ीरो के साथ रहेंगी। तो कभी मैट्रिक्स देखी होगी इस तरह से आप लोगों, है ना, यहाँ पे जैसे एक वैल्यू दी थी, यहाँ पे ज़ीरो, फिर से वन, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो और वन। तो ये है आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स जिसमें 9 वैल्यू हैं, 3 3 9, है ना, 9 एज अ टोटल, और बहुत सारी जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के साथ हैं। तो इसे कहा जाता है यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक। और अगर डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी एंट्री जीरोस के साथ हैं तो उसे कहेंगे हम स्पार्स एरे। तो आंसर इज एस। नेक्स्ट इज अ नल टर्मिनेटेड एरे ऑफ डैश इज अ स्ट्रिंग। तो नल टर्मिनेटेड एरे जो होती है वो टर्मिनेट होती है विद ज़ीरो। और देखो पीछे नल कैरेक्टर पूछा था, यहाँ पे नल एरे दे दिया आपको डायरेक्ट, तो बैक स्लैश ज़ीरो, नल इज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है अ कांस्टेंट कैन बी वैलिड डैश आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। तो अ कांस्टेंट कैन बी वैलिड declaration argument to a function. Next is the statement struct point int x by terminator and curly braces के बाद भी terminator, ये syntax है वैसे structures को declare करने का, is a structure। तो किस तरह के structure को declare करते हैं हम ऐसे, ये है structures की definition। struct लिखा, फिर structure का नाम दिया, जो variable आपको declare करने हैं वो इन parentheses के बीच में curly braces के बीच में करने हैं, टर्मिनेट करना है उसको, एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन अगेन टर्मिनेटर कर्ली ब्रेसेस के बाद भी। तो ये है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। तो आंसर इज वी। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट। इज लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट जो है ये है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो आंसर इज ई। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन पी वी प्लस थ्री इज अ वैलिड बट पी वी स्टार थ्री और स्टार बट नॉट द पी वी स्टार थ्री। If PV is a an, क्या है PV यहाँ पे अब आपके पास, अगर ये वाला वैलिड नहीं है और ये वाला जो है ये वैलिड है तो कौन सा वेरिएबल होगा ये वाला? ये वेरिएबल है हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर के साथ ये वाली जो ऑप्शन है ये आपके क्लियर नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज एन, ए और एन। अब ये ए और एन लिखने का क्या मतलब होता है? जैसे कई बार हम ना यहाँ पे ऑप्शन देख के पता लगा लेते हैं कि इसके साथ ये लगेगा कि एन लगेगा। तो ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन फ्रेमिंग है कि एन वाला अगर यहाँ पे फिल कोई फ्रेज आएगी या वर्ड आएगा तो एन लगेगा ऑटोमेटिकली, या तो अ प्रोनंशिएट करना है उसको फिर। तो जैसे वॉवल्स आते हैं तो हम एन कहते हैं, एंड इफ द कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंस देन इट इज ए, ठीक है। तो अब ये कोई आप गैस वर्क नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी ऑप्शंस रहती मतलब जो ऑप्शन है वो करेक्ट वाली आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि अ डैश फाइल कैन बी क्रिएटेड विद स्पेशली रिटन प्रोग्राम ओनली। इस तरह की जो एक फाइल है वो स्पेशली रिटन प्रोग्राम के थ्रू ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो कौन सी फाइल? एक्चुअल फाइल। तो आंसर इज ए कि एन एक्चुअल फाइल कैन बी क्रिएटेड विद स्पेशली रिटन प्रोग्राम ओनली। तो नेक्स्ट इज द साइज ऑफ एन एरे डिफाइंड एज कैर कलर
इज इक्वल टू ब्लू, ये क्या है? ये है इस एरे की कितना साइज है? तो साइज है यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4, है ना? 4 है। तो आंसर इज बी फॉर द 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 9th। 9th का क्या आंसर है? कि द एक्सप्रेशन, अगर ये जो एक्सप्रेशन है पूरा दिया गया, इसमें ये वाला जो पार्ट है विल बी इवेलुएटेड, ये तब इवेलुएट होगा इफ दिस वन पार्ट इज, या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, ठीक है? तो कब ट्रू, कब होगा? अब इसे ये है हमारे पास और ऑपरेटर, है ना? और ऑपरेटर में आपके पास या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए। तो अगर ये वाला पार्ट आपका फॉल्स है तब इसको इवेलुएट किया जाएगा। दोनों कंपल्सरी नहीं है, दोनों में से अगर एक भी आपका ट्रू होता है तो जो एक्सप्रेशन इसके बाद आपका लिखा गया है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा आपका। तो ये वाला पार्ट आपका कब कब इवेलुएट होगा? जब आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉल्स होगा। तो फॉल्स अगर ऑप्शन में कहीं पे है तो यस हियर द आंसर इज डी। तो इसका आंसर हो गया डी यहाँ पे। नेक्स्ट है द लूप डू व्हाइल 0 विल बी एग्जीक्यूटेड कितने टाइम? एटलीस्ट वंस या वन टाइम कहीं दिया गया है, वन टाइम या वंस कहीं है, अगर वन है ये जी ऑप्शन आंसर है इसका, ठीक है? और ये जो डू व्हाइल लूप है ये आपका लास्ट वन क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर 4th क्वेश्चन, कि डू व्हाइल लूप को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और 4 क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर में हमने पूछे हैं उनका भी आंसर ज़रूर देना। So thanks for watching the video. You can follow us on the Telegram to download the PDF of this video, and you can also follow us on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.